वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैं आज के व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। आई नो व्लॉग ये बहुत महीनों बाद जा रहा है और ये व्लॉग भी मैं काफ़ी 9-9, 10-10 दिन बाद वीडियो डालती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता व्लॉगिंग करने का, आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से। क्योंकि देखिए, मेहनत क्यों करते हैं इंसान? मेहनत इसलिए करता है कुछ इनकम हो। अब जब इनकम नहीं होती तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? और फिर यूट्यूब से तो देखिए मेरा घर नहीं चल रहा है, और फिर मैं क्यों टाइम पास करूं इस पर? इसलिए मैंने व्लॉग डालना बंद कर दिया है और काफ़ी कम कम डालती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं डालती, सोचती हूँ रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी बट नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ गाइज करती हूँ कि नहीं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं दूध की तैयारी कर रही थी और इवनिंग का टाइम हो रहा था। सर्दियों के व्लॉग है तो प्लीज़ प्लीज़ मैनेज कर लेना। और तो यहाँ पर बस दूध वगैरह, और दूध में मैं पता क्या करती हूँ, नमकीन या जो टोस्ट का जो होता है ना, वो चूरा टाइप, वो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है टोस्ट का चूरा वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ, किसी की जो होती है ना, वीडियोस वगैरह मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ और उनको ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता है मेरे पास इसलिए। और देखिए, मैं बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं डाल रही, तब भी लोग मेरे फालतू में कमेंट करते हैं मेरे पास कि तुम सास की बुराई करती हो। यार यार एक बात बताओ, जो हम लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली व्लॉगिंग करेंगे तो जो बात सच होगी वो तो कभी ना कभी दिख ही जाती है, और कितना भी छुपाने की हम कोशिश करें पर पता नहीं क्यों दिख ही जाती है। और जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो फिर आंसर भी देना पड़ता है। और देखिए, आप लोगों ने मेरे ससुराल व्लॉग भी देखे हैं, आपने मेरे यहाँ पर रेंट वाले व्लॉग भी देखे हैं, आप लोगों ने मेरे मायके के व्लॉग भी देखे हैं, तो मैं कितना झूठ बोल सकती हूँ? मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती ना, जो होगा वही मैं बोलूँगी। तो इसीलिए देख, यहाँ पर बुराई करने की और अच्छाई करने की तो बात ही नहीं रहती, जो बात है वही बात मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। देखिए, मेरे से झूठ नहीं बोला था ना, किसी की झूठी तारीफ होती, जो इंसान जैसा है वैसा ही है। और अब तो मैं व्लॉग ही नहीं डाल रही, तो मैं बुराई और अच्छाई की क्या मतलब है? तो इसीलिए, और दोस्तों मैं बस यही क्लियर करना चाहती हूँ कि फालतू के कमेंट ना करें। वैसे भी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, आपके देखने ना देखने से मेरा घर नहीं चलेगा, और जो लोग मेरे को देखते हैं वो देखते रहेंगे, उन्हीं के लिए मैं वीडियो डालती हूँ, बस अपडेट देने के लिए कि हाँ सब ठीक है। क्योंकि वो लोग मेरी चिंता करते हैं, उनकी चिंता के लिए मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। बाकी मेरे पास इंटरेस्ट अब बिल्कुल भी मेरा यूट्यूब से ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबकी यूट्यूब ने वीडियो वायरल कर दी बट मेरी ही नहीं करी। तो इसीलिए मुझे बहुत यूट्यूब से नाराज़गी है। अब क्या कर सकते हैं, भगवान सबकी किस्मत अलग अलग लिखता है, शायद मेरी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सारा काम हो गया था, देन उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो मैंने ये आटा लगाया था उसको मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, परात को मैं चकला बेलन को धोंगी। खाना वाने बन गई है और ये देखिए मेरे कपड़े पर ना आटा लग गया है। ऐसा ही होता है कभी कभी। तो और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरे है ना रसोई में कीड़े घूम रहे हैं, तो देखिए मेरे पूरे घर में क्रॉकरोच नहीं है बिल्कुल भी, कभी क्रॉकरोच आज तक नहीं निकला। और उसके बाद कीड़े वीड़े चींटे ज़रूर आ जाते हैं, मैं बोलती हूँ, क्योंकि हमारे सामने मतलब चक्कियाँ वगैरह हैं आटे वगैरह की, तो उसमें चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण से घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और गर्मियों में चींटे रहते हैं। नहीं तो आप देखिए, अभी एक भी आपको चींटा नहीं दिखे, गर्मियों में मक्खी और चींटे दोनों ही हो जाते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन कोई भी इंसान गंदे में खाना नहीं बनाता। और देखिए मेरा घर एकदम क्लीन रहता है, कहते गंदा, तो देखिए आँखें आप अपने को आपको टेस्ट करानी चाहिए, मेरे घर में गंदगी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सफाई मेंटेन करके रखती हूँ और कोई भी इंसान गंदगी नहीं चाहता है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आपकी पता नहीं है जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुकर रख दी हूँ सब्जी बनाने के लिए, और फाइनली और बस सर्दियों का यही टाइम होता है और यही काम होता है, और दिन कब निकल जाता है सर्दियों में
पता ही नहीं चलता। और मुझे आप लोगों से थोड़ी सी गुस्सा है, मैंने है ना आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर किया था, आपने अभी तक नहीं देखा। मैंने न्यू ज्वेलरी जो भी बाय करी है वो सारा ही कलेक्शन मैंने शेयर किया है आप लोगों को, अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत दिनों से मैंने करा था तो मैंने शेयर किया है वहाँ पर। बहुत सारे चोकर मैंने जो बाय करे थे इन दिनों जब से ब्लॉगिंग नहीं कर रही, तो वो सारे चोकर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। दो तीन वीडियो पहले ही उसकी ब्लॉगिंग है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने जो गाजर आलू की सब्जी बनानी थी मेरे को, तो यहाँ पर मैंने वही यहाँ पर ऐड कर दिया है, टमाटर गाजर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और देन उसके बाद ही जाकर मैं बाकी सारा काम करूँगी। और देखिए देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर हो गया है, और ये आलू वालू डाल कर बस मैं थोड़ा सा पानी डालते हैं बाकी ये सारा हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा सारा खाने वाने का काम हो गया है, और उसके बाद आटा खाना वाना लग गया बन गया था, और ये शाम की सब्जी मैं बना रही हूँ क्योंकि शाम सुबह जो मैंने बनाया था वो फिनिश हो गया था। और आपको पता है कि सर्दियों में खाना बहुत अच्छा खाया जाता है, खाना जो होता है वो अच्छा खाया जाता है, इसलिए सॉरी गाइस यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, मैंने ना सब्जी बोल दी। तो सुबह की क्या होता है ना खाना अच्छा खप जाता है, तो सब्जी वगैरह होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और अभी क्या करते हैं ना कि शाम को या तो कोई सब्जी, अगर परांठे रखे हो तो कोई सब्जी बना लेते हैं, या नमकीन चावल। इस टाइम तो आपको पता है सीजनेबल जो सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं तो बहुत टेस्टी होती है, तो खा लेते हैं जो चावल बना लिए, या फिर तरकारी भी एज ए सिंपल प्लान बना लेते हैं। और तो देखिए यहाँ पर मेरी जो है चावलों की रेडी हो गई है प्रिपेयर, ये मैं खाऊंगी और थोड़ा सा खाऊंगी, अच्छी लगती है। अच्छा किस किस को लगती है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी पता है मैं ना मेरे चावल है ना जल गए थे, क्योंकि मैं गई थी अभी मतलब कि दही जो होता है ना सहजा दही जमाते हैं वो लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सहजा रख दिया है मिठाई, उसके बाद यहाँ पर बॉर्नविटा रखा हुआ है, और यहाँ पर चीनी है। बस दिया को देने जा रही हूँ, दिया ने पी लिया है बस, तो उसको उठा के रखने जा रही हूँ। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं थोड़ी देर में, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। ये घी का डिब्बा है, घी चिपक गया है ना पूरे में, घी घी हो गया है, साफ़ करना है इसको, चिकनाई बहुत जल्दी पकड़ जाती है डिब्बों पर। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और 9 बज चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो दिया से मैं बोल रही हूँ, दिया के होम मतलब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं बट दिया पढ़ नहीं रही। आप लोग देख सकते हो ये क्या कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये दीपक रखे हुए हैं और इन दीपकों से ये दिया खेल रही है ना। तो यहाँ पर इसमें ये सारा, मैं इसे काफ़ी देर से डांट रही हूँ कि दिया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट दिया पढ़ने का नाम नहीं ले रही है, मैं क्या करूँ। और देखिए मेरा ये लाइनर काजल यहाँ तक फैल गया है, और मुझे करनी है अभी वीडियो की एडिटिंग। और दिया बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा, देखो देखो अभी मैं इससे बोल रही हूँ दीपक हटा दो हटा दो हटा दो, लेकिन अभी हटा नहीं रही। इसको अब डांट खाने की आदत पड़ गई है, पहले क्या था ये एक बार में सुन लेती थी, अब इसको 10-15 बार भी बोलो ना तब भी ना ये सुनती नहीं है। तो फाइनली अभी रात का टाइम हो गया है, हस्बैंड खाना खा के अपनी मम्मी के घर पर गए हुए हैं, और वो आएंगे अभी 9 बज रहे हैं, कम से कम 11-11.30 बजे करीब आएंगे वो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर काम वगैरह मतलब दीपक कर रही है, और इसके बाद जाकर मतलब खेल रही है, वैसे बोल रही हूँ अंबर कर ले पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। इसके बाद मैं अभी क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश करूँगी और अपनी कुछ वीडियो शूट करनी है वो करूँगी। और अभी 9 बज रहे हैं तो कलर्स पर आ रहा है नीमा, नीमा वाला जो नाटक आता है वो आ रहा है, मैं देख रही थी और कुछ ब्लॉगिंग कर रही थी। और यहाँ पर मेरे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स पर मुझे वीडियो शूट करनी होती है वो है यहाँ पर। बाकी मेरा बर्तन हो चुका है, खाना वगैरह सबने खा लिया है, और यहाँ पर हस्बैंड, मैंने आज चावल बनाए थे जैसे कि बताया था और वो जल गए थे, तो जो जले हुए थे वो मैंने ना फेंक दिए और बर्तन साफ कर दिए थे, लेकिन कुकर में है ना अभी भी काफ़ी कालापन रह गया, जबकि मैंने स्टील वाला जो जूना होता है स्क्रबर होता है उससे साफ करे थे, लेकिन फिर भी नहीं गए हैं। और यहाँ पर ये दिया भी सुन नहीं रही है, इस पर डांट पड़ेगी तभी ये सुनेगी। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा तो शूट नहीं करा, जो भी शूट करा है आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप्स तो आपको मेरे सिंपल लाइव ब्लॉग पसंद आते होंगे, और कभी कभी क्या होता है ना कुछ अच्छा करने की सोचो कुछ बुरा हो जाता है, और मैंने आज जो चावल बनाए थे
आज खाना नहीं बनाता मेरे यहाँ, क्योंकि दिया थी नहीं। आप लोगों को बताया दिया आई आई है इवनिंग में, तो दिया थी नहीं तो खाना नहीं बना। और कल बनाया था उसी के का 3-4 पराठे ज़्यादा थे, तो वो मैंने मॉर्निंग में खा लिए थे। और मैंने दही जमाने रख दिया है, तो सुबह दही जम जाएगा। दही से पराठे खाने में यार बहुत अच्छे लगते हैं। और चावल बनाए तो उसमें से थोड़े से चावल जल गए थे, ज़्यादा नहीं जले थे, तो थोड़े से चावल जल गए थे। मैं वैसे दिया खेल रही थी, मैं दिया से भूल करके गई थी कि मतलब कुकर गैस बंद कर देना, पर दिया को खेलने में भूल गई। और बस थोड़ी देर में मैं आई हूँ दही लेकर थोड़ा सा जमाने के लिए, तो इतनी देर में मतलब दो सीटी आ गई थी, तो नीचे नीचे के जो चावल थे वो लग गए थे, और ऊपर ऊपर के मैंने खा ली, हस्बैंड ने खा ली, और थोड़े से भी बचे हैं जो हम मॉर्निंग में गर्म करके खा लेंगे। तो कभी कभी अगर दिन की बोले ना तो इतना बेकार आता है कि इतने मन से मैंने चावल बनाए थे, अदरक डालकर, टमाटर डालकर, हरी मिर्च डालकर, ये सभी चीज़ डालकर, और नहीं नसीब होता कभी कभी, और इतना दुख हो रहा है ना। बस मैं भगवान से इतना ही प्रे करना चाहूँगी कि भगवान मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए और मैं कुछ पैसे सेव कर पाऊँ, और मैं अपना खुद का घर ले पाऊँ या छोटी सी जगह ले पाऊँ। बहुत मन है, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आपने देखा होगा, और उन्होंने अपना घर ले लिया है, और काफ़ी लोग बनवा रहे हैं, जिन पर पहले से प्लॉट था वो बनवा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि घर की सबको नीड होती है, और किराए के घर में कब तक बच्चों को लेकर घूमे, किराए की वजह से सेविंग भी नहीं हो पाती है, और किराया हमारा नहीं जाएगा तो सेविंग्स भी हो जाएंगी। तो बस बस यही कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम मिलते हैं, एंड आप लोग प्लीज़ ब्लेसिंग कीजिएगा, मेरे खुद का घर मैं ले पाऊँ, मेरा खुद का घर का सपना पूरा हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आपको दिखाऊं मैं बाहर क्या कर रही हूँ? आइए आइए, दोनों बैक कैमरा ऐसे दिखाओ। ये देखिए, मैंने है ना यहाँ पर टमाटर कट करके रखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू कट करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हो आलू टमाटर ये रहे, और ये यहाँ पर गाजर और मटर है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस वाली प्लेट में क्या है ना, मैंने चावल रखे हैं नीचे, जो कल मैंने बनाया था, बताया था ना, थोड़े से जल गए थे ये, ये तो सही है, जले हुए तो मैंने फेंक दिए थे। और हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पर बादाम, दिया के बादाम खत्म हो गए थे, तो वो भी पैकेट वहाँ पड़ा हुआ है। और अभी अब मैं इसको बनाऊंगी। यहाँ पर सारे मसालेदानी में लेकर आ चुकी हूँ, मसाले ये रहे, यहाँ पर रखा हुआ रिफाइंड, और देखिए कब बिल्कुल खाना खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आटा भी लगाएंगे और यहाँ पर खाने की तैयारी करेंगे। और दही से मैंने पराठे खाए थे, तो ये देखिए थोड़ा सा सहजा रखा हुआ है, यहाँ दूध गर्म हो चुका है, ये भी रखा है, इसे भी ढक देंगे, इसको यहाँ पहुँचा कर इसको ढक देंगे, और इसकी जो मलाई है, फिर मलाई में इसमें स्टोर करके रखती हूँ ताकि घी निकालने के काम आती है। और यहाँ रखिए शिमला मिर्च, तो और यहाँ पर चलिए कढ़ाई निकाल लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, कोई सब्जी नहीं है, वही टमाटर, गाजर, आलू, मटर की, और ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा पानी आपको देना पड़ेगा, बहुत कम पानी में ये बन जाती है सूखी, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और इसमें मसाला अच्छी तरीके से दीजिएगा, पता नहीं कैमरे में साफ़ नहीं दिख रहा है, नहीं तो मसाला अच्छी तरह से दोनों, तो वो एकदम से एकदम लिपटैमा जो होती है ना सब्जी, वही बनती है। सो गाइस, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।